कहते हैं ना, 100 सुनार की तो एक लुहार, कुछ ऐसा ही हो रहा है। चाइना के ऊपर इस समय विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है, भीषण विस्फोट। कौन है इन सब के पीछे? कहीं चाइना अपनी गलतियों का खामियाजा तो नहीं भुगत रहा है? 30 दिन के अंदर कथित तौर पर 7 से ज्यादा बड़े भयानक विस्फोट। जानेंगे क्यों हाहाकार मचा हुआ है चाइना के अंदर, तो वहीं दूसरी तरफ भारत भी दे रहा है डबल झटका। अब दूसरा बड़ा धमाका हुआ है चीन में, और ये धमाका आर्थिक धमाका है। जानेंगे एप्पल के बाद अब किस कंपनी ने सबसे बड़ा ऐलान किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। व्यापार एक ऐसा चीज होता है जिसमें यकीन विश्वास बहुत मायने करता है, पूरा का पूरा सिस्टम यकीन पर टिका होता है। चाइना के पास एक बड़ी आबादी थी और इस आबादी के साथ साथ लगा हुआ था एक टैग कि यहाँ सस्ते में मजदूर मिल जाते हैं। कंपनियों को भरोसा हुआ और कंपनियां यहाँ आती चली गई। हालांकि अमेरिका का योगदान बहुत ज्यादा रहा है, अमेरिका ने चीन में निवेश किए, कंपनियों को प्रोत्साहित किया कि आप यहाँ जाओ, और कंपनियां यहाँ पर धड़ाधड़ आने लगी। शुरुआती दौर बहुत अच्छा रहा। अभी आप देख सकते हैं बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात हो रही है, तो जिनपिंग ने क्या स्टेटमेंट दिया। जिनपिंग ने ये कहा, जो उसका गोबर टाइम्स से उसके मार्फत से, कि अमेरिका भारत को आगे करना चाहता है व्यापार में और हमारे व्यापार के रास्ते बंद करना चाहता है। ऐसा चाइना क्यों कह रहा है? क्योंकि चाइना जानता है अमेरिका से ही उसकी शुरुआत हुई थी और यही शुरुआत अब भारत के साथ अमेरिका कर रहा है। सबसे पहले देखिए, एप्पल ने अपना प्रोडक्शन भारत शिफ्ट किया। फॉक्सकॉन ने आगे बढ़कर एक बड़ा ऐलान कर दिया कि हम यहाँ पर बहुत बड़ी कंपनी बनाने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की होगी, यानी यहाँ पर भी दाव लग गया। फॉक्सकॉन जैसी कंपनी चाइना से भारत शिफ्ट हो रही है, एप्पल जैसी कंपनियां अपना सारा प्रोडक्शन धीरे धीरे भारत शिफ्ट कर रही है, और भारत शिफ्ट करने के बाद इनको फायदा होता हुआ भी दिख रहा है। एप्पल के बाद अब दूसरी एक बड़ी कंपनी ने चाइना को बड़ा झटका दे दिया है, और दूसरी कंपनी का नाम है गूगल। गूगल भारत में अपने पिक्सल स्मार्टफोन को असेंबल करने की योजना बना रही है। एप्पल की तरह वो भी चीन से बाहर निकलने की योजना बना रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल ने कुछ कंपनियों के साथ बातचीत शुरू की है। इनमें भारत की घरेलू कंपनियां लावा इंटरनेशनल लिमिटेड और डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड शामिल है, ब्लूमबर्ग को शामिल है। इन कंपनियों के अलावे फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप की भारतीय यूनिट भारत FIH से भी बात कर रही है। गूगल का प्लान क्या है? आपको बता दें, गूगल भारत में प्रोडक्शन शुरू करने वाली लेटेस्ट ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी हो सकती है, जो अपनी सारे संभावित पार्टनर से बातचीत कर रही है कि कहां पे हमें बनाना है और कैसे हमें इसे आगे ले जाना है। आपको बता दें, पीएम मोदी भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर पेश कर रहे हैं। बहुत सी कंपनियां चीन में सख्त कानून और अमेरिका और चीन के बीच के झगड़े की वजह से यहां से निकलना चाहते हैं, और ऐसे में ये कोशिश कर रहे हैं या तो भारत या वियतनाम। पर भारत इस मामले में लकी इसलिए है क्योंकि भारत को साथ मिल रहा है कथित तौर पर अमेरिका का भी। हाल ही में गूगल के CEO सुंदर पिचई, कई सारी मुलाकातें भी हुई केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव की। वैसे आपको बता दें, गूगल भारत में बहुत ज्यादा इसके ऑप्शन है, क्योंकि भारत में बहुत सारी चीनी कंपनियां चला करती थी जो गूगल के टेक्नोलॉजी पे आधारित हुआ करती थी। वैसे पहले गूगल वियतनाम में इसे शिफ्ट करना चाहता था, लेकिन कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से जो छूट और सुविधाएं दी जा रही है उसे देखते हुए भारत में अब गूगल अपना फोन प्रोडक्शन शुरू करेगा। भारत के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो चाइना के लिए ये दुखों का पहाड़ है, क्योंकि इसके बाद ढेर सारी कंपनियों का निकलना तय रहेगा। खैर, कहते हैं जो बोओगे वही काटोगे, और ऐसा ही चाइना के साथ हो रहा है। ये सभी जानते हैं कि चाइना के अंदर कोई चीज अगर होती है तो चाइना की बात बहुत तेजी से सामने नहीं आती है। जो बातें सामने आती भी हैं, चाइना उसे अपने हिसाब से बताता है।
लेकिन आपको बता दें चाइना के अंदर भी हाहाकार मचा हुआ है। चाइना में भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो आतंकवादी ग्रुप हैं। अब मन में आएगा चाइना तो इतना ज्यादा कठोर रूप से रहता है, फिर यहाँ पर आतंकवाद कहाँ से आ सकता है और ऐसा थोड़ी कर सकता है। तो आपको बता दें ऐसा नहीं है, चाइना उइगर मुसलमानों के ऊपर लगातार कुछ न कुछ ऐसा करता रहता है जिसे आप कहेंगे कि चाइना इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। चाइना ने उइगर मुसलमानों के फोन तक पे भी नजर रखना शुरू कर दिया है। उनके फोन में अगर कुरान है, उनके पास अगर कुरान है तो उन्हें कट्टरवादी तय करना शुरू कर दिया है। चाइना और भी बहुत सारे सिंजियांग के इलाके में ऐसी चीजें करता है, तो अब तो जैसे कि आम बात हो गई हो। हाल फिलहाल में हमने देखा सिंजियांग मुद्दे को लेकर फिलिस्तीन का साथ भी चाइना को मिल गया है। लेकिन चाइना के अंदर ये ग्रुप धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और ये ग्रुप अब बहुत इनमें से ऐसे भी हैं जो कहा जा रहा है आतंकवाद का रास्ता अपना रहे हैं और इसका संदेह खुद चाइना ने भी जताया है। चाइना का कहना है कि जो छोटी सी सीमा अफगानिस्तान से लगती है उस सीमा में कई उग्रवादी समूह आकर जमा हो गए हैं और इन उग्रवादी समूहों को कहीं न कहीं तालिबान का भी समर्थन मिलता है। अभी कल की ही खबर है और इस खबर में ये बताया गया है कि चाइना में एक रेस्टोरेंट में ब्लास्ट हुआ, बहुत भयानक ब्लास्ट, और इस ब्लास्ट में 31 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर पश्चिमी चीन का एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट था जिसमें कहा जाता है कि गैस विस्फोट हुआ और इस धमाके में 7 लोग घायल हो गए तो 31 लोग मारे गए। विस्फोट जो हुआ है वो निंजिया हुई इस इलाके में हुआ है, वो भी शाम को 8:40 पर। ये सब कुछ तब हो रहा है जब ड्रैगन बोट फेस्टिवल का जश्न मनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। चीन में ये राष्ट्रीय अवकाश है जिसमें नाव रेस और चावल के मोमोज बनाए जाते हैं। जहां रेस्टोरेंट को बुरी तरीके से नुकसान हुआ तो वहीं तुरंत इलाके में एक गहरा काला घना धुआं फैल गया। वैसे ये घटना हुई है पर इसमें संदेह वाली बात क्या है तो आपको बता दें, संदेह वाली बात ये है अक्सर इस तरीके की घटनाएं बढ़ती हुई देखी जा रही है चाइना के अंदर और हर बार भीड़ भाड़ वाला इलाका ही इस तरीके से विस्फोट के चपेटे में आता है और चाइना हर बार इसे गैस लीक या और कोई नाम दे देता है। पिछले 2 महीने में कई इस तरीके के विस्फोट सामने आए हैं। खैर चाइना की बातें तो चाइना तक ही रह जाती हैं, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब चाइना की बातें बाहर भी आनी शुरू होंगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं।